हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑटोमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऑटोमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर बनाने के लिए यहाँ पर जितना भी सामान लगेगा मैंने स्टेज के अंदर रखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक बकेट लेनी होगी, खाली बकेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको 17 आपको रेडस्टोन डट्स चाहिए होंगे, और यहाँ पे आपको 10 पिस्टन चाहिए होंगे, आपको एक लीवर और आपको एक रेडस्टोन टॉर्च, और यहाँ पे 3 आपको स्टेयर चाहिए होंगी, और यहाँ पे आपको 5 स्लेव ले लेने हैं, और आपको एक रेडस्टोन कंपैरेटर लेना है, और यहाँ पे आपको 5 ट्रैपडोर लेने हैं, ठीक है गाइस। आप स्लेब कोई भी यूज कर सकते हैं और स्टेयर भी आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अब उसके लिए सबसे पहले आपको एक एरिया ढूंढना है जहाँ पर आपको कोबल स्टोन जनरेटर फार्म बनाना है। तो गाइज, मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तीनों स्टेयर्स इस तरीके से आपको लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ट्रैपडोर लेने हैं, ठीक है। ट्रैपडोर को कुछ इस तरीके से आपको लगा करके आप इनको इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। तो गाइज, मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। और उसके बाद गाइज, इसके अंदर आपको पानी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 पानी डालना है, 3 वाटर बकेट से। और यहाँ से मैं वाटर ले जाता हूँ फटाक से, उसके अंदर फिर डालते हैं हम लोग। और गाइस, ध्यान दें कि आपको स्टेयर्स के अंदर ही यहाँ पे पानी डालना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको डाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाटर डाल लिया है गाइस। और अब गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको स्लेब लेने हैं। देन स्लेब को यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको जगह छोड़ करके यहाँ पे आपको 3 स्लेब इस तरीके से लगाने हैं, एंड देन यहाँ पे आपको एक लगा देना है, और बीच में आपको कुछ इस तरीके से आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज, अब आपको फिर से बकेट लेनी है, खाली बकेट, और उससे आपको लावा लेना है, ठीक है। लावा स्टोर करना है, और यहाँ पर आ करके आपको 2 लावा बकेट आपको डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने डाल दिए, तो मैं एक और यहाँ से ले लेता हूँ और फिर वहाँ पर चल के डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 लावा बकेट डाल देनी है। तो यहाँ पे आग लग चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा कोबल स्टोन जनरेटर है वो बिल्कुल तैयार है गाइस। और अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको जो है पिस्टन लेने हैं, ठीक है गाइस। तो पिस्टन लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। ओ, ये गलत लग गया, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ पहले तो पिकेक्स से। ओके, तो मैंने इसको तोड़ लिया है। और उसके बाद गाइस, अब आपको इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये पिस्टन जो है लगाना है। इसका फेस गाइज इधर की तरफ होना चाहिए, स्टोन की तरफ, ठीक है। उसके बाद गाइज, मैं इस पीछे वाले को तोड़ लेता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब। और उसके बाद गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जितने भी पिस्टन है आपको इधर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको जो ट्रैपडोर एक है, इस ट्रैपडोर को छोड़ करके यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है, पिस्टन ये सारे। तो यहाँ पर आपको 9 पिस्टन लगा देने हैं, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पिस्टन यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज, अब आपको क्या करना है, अब आपको रेडस्टोन डस्ट लेनी है और इसकी यहाँ से वायरिंग कर देनी है। तो यहाँ पे आपको एक रेडस्टोन डस्ट लगानी है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना है, एंड यहाँ पर भी आपको एक लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद गाइज, अब आपको इनको आपस में चारों को, मतलब 9 पिस्टन को आपको आपस में जोड़ देना है, वायरिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डर्ट हटानी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रेडस्टोन टॉर्च लगानी है, ठीक है। रेडस्टोन टॉर्च, ध्यान रहे, आपको बिल्कुल बीच में ही लगाना है स्टोन के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना है। एंड उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको आना है पीछे की साइड, और फिर से आपको रेडस्टोन डट्स लेनी है, और यहाँ पे आपको 3 रेडस्टोन डट्स इस तरीके से लगा देनी है। एंड अब उसके बाद, अब आपको रेडस्टोन कंपैरेटर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लगा देना है। और यहाँ पे आपको फिर से रेडस्टोन डट्स लेनी है, और कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। ध्यान रहे गाइज, आप इसको बहुत ही ध्यान से करना, वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लीवर लगा देना है, और इस कंपैरेटर को आपको ऑन कर देना है। तो गाइज, ये जब बत्ती जलने लगे तो जान जाना कि ये ऑन हो चुका है। उसके बाद सिंपली आप इसको लीवर को ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वर्क करने लगेगा। तो फाइनली गाइज, अब जो हम लोगों का जो कोबल स्टोन जनरेटर है वो बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे अभी आप लोग देखना ये किस तरीके से काम करता है। तो गाइज, ये जैसे ही, मतलब कोबल स्टोन जितने भी हैं ये बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही ये रेडस्टोन टॉर्च पे आएंगे, ये अपने आप ही, ये पिस्टन जितने भी हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये इन स्टोन को इधर साइड में कर देंगे। अभी आप लोग देखना गाइज, तो ये देखो गाइज कितना, मतलब बढ़िया लुक दे रहे हैं ये लोग। और गाइज, अब इसको आप इजीली इनको माइन कर सकते हो, और इनसे आप इन्फिनाइट कोबल स्टोन ईजिली ले सकते हो।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको इसको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस इसको आपको माइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये सारे पिस्टन आपका काम करते रहेंगे। तो गाइज़ आई होप ये फार्म आपको अच्छा लगा होगा, और फार्म अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।